कोला जूस का डब्बा आ गया है, घर पे भेज दूं क्या? तो मुझे इतनी रात को फोन क्यों कर रहे हो? तुम पैसे मांग रहे हो ना मुझसे? भाभी मैंने पैसे कम मांगे? आपने ही। जल्दी बोल कितने पैसे चाहिए? मिल जाएंगे तुम। देखो अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, तो मुझे कल फोन करना। हाँ कल फोन करना। मोना बेटा वाओ मम्मी लड्डूस इतने सारे मेरे लिए? अपनी माँ को दो। थैंक यू मॉम। सर, जो लेडी छत से कूदकर मरी है उसका नाम शिखा समर सिंह है। उम्र है 46 साल और इसी बिल्डिंग में किराए पर रहती थी और ट्रैवल एजेंसी में काम करती थी। साथ में उसकी बेटी भी है। हमें बेहोशी की हालत में मिली थी, उसे भी जहर दिया गया था और अगर सही वक्त पर उसे हॉस्पिटल ना पहुंचा होता तो वो भी मर जाती। और सोसाइटी के रिपोर्ट के मुताबिक उसके पति का नाम समर सिंह था जो कि बॉर्डर पर टेररिस्ट से लड़ते हुए मारे गए। और हमारे चेक करने पर इसका नाम मिलिट्री के रिकॉर्ड में कहीं नहीं था। और इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बेटी के खून में बहुत ही खतरनाक ड्रग्स पाए गए थे जो आमतौर पर कहीं मिलते नहीं है। मुझे तो ये मामला बहुत ही पेचीदा लग रहा है साहब, इसलिए हमने कमिश्नर साहब को फोन कर दिया। लेकिन लगता है इन्होंने ये कहानी इसलिए बनाई ताकि सोसाइटी में इनको आसानी से घर मिल जाए। और घर मिल भी गया था सर। सोसाइटी और पड़ोसियों में से किसी को माँ बेटी से कोई शिकायत नहीं थी। हमने इनके रिश्तेदारों से बात की। यही तो एक प्रॉब्लम है सर, ना कोई रिश्तेदार है ना कोई जान पहचान वाला। जहाँ ये काम करती थी वहाँ तो कुछ अपनी अलग ही पहचान बना के रखी थी। ये लीजिए। और हाँ सर, शिखा ने अपने ऑफिस में सबको ये बता के रखा था कि वो यूएसए से आई हुई है और वहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी है, इसलिए उसे आसानी से जॉब मिल गया था। और जब हमने शिखा जी का बायोडाटा चेक किया तब हमें पता चला कि उसमें समर सिंह का नाम लिखा था और ये भी लिखा था कि वो यूएसए में रहते हैं। क्या जानते हैं आप लोग शिखा जी के बारे में? कुछ ज्यादा नहीं सर, दोनों माँ बेटी किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। आप कभी उनके घर के अंदर गए थे? जी नहीं। उनसे कौन कौन मिलने आता था? वही प्लम्बर, बिजली वाला, केबल वाला। जब फ्लैट लिया था तो कुछ नए प्लग पॉइंट्स चाहिए था। बाथरूम में पानी की एक और टंकी लगवाई थी जबकि पानी की सप्लाई तो बराबर रहती है यहाँ। फ्लैट नंबर क्या है उनका?
सर, इस बूंदी में वो ड्रग्स थे जो बच्ची के ब्लड में पाए गए। सर, आप ये हिसाब वाली नोट क्यों निकाल रहे हैं? ये नोट मरने से पहले लिखा गया, इसीलिए बहुत काम की चीज है। लेकिन आपको कैसे पता सर? इसमें बूंदी के दाग लगे और वही दाग उस कलम पे भी लगे, और बूंदी के ही लड्डू बना रही थी ना? यस सर। तो दैट प्रूव्स इट। श्री सर, शिखा के फोन रिकॉर्ड चेक करो। एसीबी अर्जुन रावत, ईटीआर। शिखा सिंह के घर से हमें आपकी दुकान का ये कार्ड मिला। शिखा सिंह, वो तो हमारी सबसे अच्छी ग्राहक थी, हमेशा नकद देती थी। क्यों, आज तक उन्होंने कभी अपना कार्ड यूज नहीं किया या कभी उधार किया हो? नहीं सर, कार्ड कभी नहीं यूज करती थी, हमेशा नकद देती थी, चाहे कितना भी बड़ा सौदा क्यों ना हो। तो आपकी उनसे आखिरी बार बात कब हुई? उसी रात को जिस रात को वो कूदी थी। दो दिन पहले हमारी दुकान पर आई थी और एक खास आंवला जूस मांग रही थी। कल जब वो आंवला जूस आया तो वही बताने के लिए मैंने उनको फोन किया था, लेकिन वो कुछ अजीब तरह से बात कर रही थी। तो मुझे इतनी रात को फोन क्यों कर रहे हो? तुम्हें पैसे चाहिए ना मुझसे? और हम पैसे को लेकर उन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? और बाद में बात करूंगी, ऐसा कहकर उन्होंने फोन काट दिया। अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, तो मुझे कल फोन कर रहे हो। लेकिन साहब, मैं उन्हें क्यों परेशान करूंगा? मेरा कुछ बकाया था ही नहीं उनका। थैंक यू। एक औरत जो लेफ्टिनेंट कर्नल समर सिंह की बीवी होने का दावा करती है, अपनी बेटी के साथ एक घर किराए पे लेती है और ऑफिस में सबसे ये कहती है कि वो अमेरिका से आई है। वो जो कुछ भी खरीदती है पूरा कैश देके खरीदती है। एक दिन अपनी बेटी को लड्डू में ड्रग्स का खतरनाक मिक्सचर मिला के खिला देती। उन्हीं लड्डुओं के बीच में हमें एक पर्ची मिली जिसपे एक नंबर लिखा था 1001.90, जिसका रेलेवेंस हमें अभी तक पता नहीं चला। उसके बाद वो छत पे जाती है और वहां से कूद के अपनी जान दे देती है। जब हमने पता किया तो फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल समर सिंह नाम का कोई आदमी ही नहीं है। उसकी बेटी बच जाती है। और कुछ? सर, पैन कार्ड और पासपोर्ट, ये दोनों इसी नाम से है जिस नाम से वो रह रही है, इससे पहले कुछ भी नहीं। शिखा, इस घर में कब आई थी रहने के लिए? सर, सितंबर 2011। पासपोर्ट और पैन कार्ड दोनों नवंबर और दिसंबर 2011 में बनाए गए। 2011 से पहले हमारे पास कोई रिकॉर्ड है? नो सर, कुछ भी नहीं है। मैं समर सिंह की फोटो का एनालिसिस करता हूँ। कोई फायदा नहीं है श्री, अगर ध्यान से देखो तो बॉडी और चेहरा एक आदमी का नहीं लगता। इस चेहरे को कंप्यूटर में मॉर्फ किया गया है, यानी इसी के चेहरे के ऊपर और चेहरों के फीचर्स लगाए गए। सवाल है क्यों? खुद को छुपाने के लिए इतनी मेहनत की। छोड़ो, शिखा के ऑफिस उसके बॉस को बुलाओ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि शिखा ऐसा कुछ भी कर सकती है। आपको उनके बिहेवियर में कभी भी कुछ अजीब सा लगा जिससे आपको उनके ऊपर कभी शक हुआ हो? अजीब तो कुछ भी नहीं लगा, इसलिए कभी सोचा भी नहीं कि शिखा छत से कूद भी सकती है। और अभी अभी उसकी तनख्वाह भी बढ़ी है। उनकी तनख्वाह कौन से बैंक में जमा होती थी? महाड़ी कोऑपरेटिव बैंक। उनके ऑफिस में कोई ऐसा था जिससे वो ज्यादा करीब रही हैं या फिर जिससे ज्यादा बातचीत करती हैं? जी, निधि। निधि, आपको आपकी कलीग शिखा के बिहेवियर में कभी भी कुछ अनयूजुअल लगा? हाँ सर, वो कभी कभी जो ऑफिस के नीचे टेलीफोन बूथ है उसका इस्तेमाल किया करती थी जबकि उनके पास मोबाइल था। और जब मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों है तो उसने बोला कि उसका मोबाइल काम नहीं कर रहा। थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन। थैंक यू सर। शिखा के बैंक अकाउंट में हर महीने सैलरी डिपॉजिट तो होती थी, लेकिन विड्रॉल एक पैसे भी नहीं। अगर आज तक बैंक से एक भी पैसा विड्रॉ नहीं हुआ तो उसके पास अपने खर्चे के लिए पैसे आते कहां से थे? वो भी नकद।
बाथरूम में पानी की एक और टंकी लगवाई थी, जबकि पानी की सप्लाई तो बराबर रहती है यहाँ। शिखा सिंह, वो तो हमारी सबसे अच्छी ग्राहक थी, हमेशा नकद देती थी चाहे कितना भी बड़ा सौदा क्यों न हो। अगर किसी के घर पे इतना पैसा हो तो फिर वो बैंक क्यों जाएगा? अब कैसी कंडीशन है इसकी? शिखा सिंह की बेटी मोना सिंह के शरीर में डस्ट का खतरनाक मिश्रण है। केटामाइन, एम्फेटामाइन, बेंजोडाइफाइन, ये सभी, ये सारे डस्ट खुलेआम तो मिलते नहीं है और इतनी ज्यादा मात्रा में तो बिल्कुल नहीं मिलते। मैंने इसके पेट में फ्लश करके 3 बार सारी चीजें बाहर तो निकाल दी, अभी ये बेहोश है, देखते हैं कब तक होश आता है। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। मोना को देखने आओ सर, मेरे बाबा ने भी आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो ड्राइवर थे, उन्हें ऐसा लगने लगा था कि पैसा ही सब कुछ है। उन्हें बहुत पैसे कमाने थे, लेकिन माँ तो उसके खिलाफ थी। वो कहती थी कि हम जैसे भी है जहां भी है खुश है, लेकिन वो कहां समझते थे। हमने पैसों के लिए एक स्मगलर के पास गाड़ी चलाने की नौकरी कर ली। एक बार फोर्ट से सामान लाते वक्त वो पकड़े गए, उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और जेल में उन्होंने शर्म के मारे अपनी फिर माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया और कुछ ऐसी बातें बताई कि जिससे मुझे पुलिस फोर्स ज्वाइन करके लोगों की मदद के लिए आना ही था। सर, जब कोई आदमी खुदकुशी करता है ना, वो अकेला नहीं मरता, अपने साथ साथ पूरे परिवार को मार के जाता है। शिखा ने भी ऐसे कुछ गलत काम किया होगा जिसकी वजह से उसने अपनी और अपनी बेटी की जान लेने की सोची। और यार छोटू, मुझे पता नहीं था कि मैं इस लड़की में अपने आप को देख रहा हूं और ये सोच रहा हूं कि जब उसे होश आ जाएगा तब उसे जिंदगी में क्या क्या सहना पड़ेगा। आई एम सॉरी सर, मैं जरा इस केस को लेकर बहुत इमोशनल हो गया था। डोंट वरी, मोना ठीक हो जाएगी और तुम जब चाहो उससे मिलने आ सकते हैं। और एक और बात, मोना के होश में आने के बाद उसकी माँ की मौत की खबर तुम ही उसे देना, क्योंकि शायद तुम ही हो जो उसका दर्द अच्छी तरह समझ सकते हो। थैंक यू सर। इतनी मुश्किलों का सामना करके तुमने ETH है, ये नहीं पता तुम्हें अपने आप पे नाज है कि नहीं। मुझे तुझ पे नाज है ना। चल अभी रोना बंद कर, चल 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 चल, मोना को ये फूल दे के आते हैं। चल एक ट्रैवल एजेंसी में काम करने वाली आम सी टिकटिंग एजेंट के पास इतने खतरनाक ड्रग्स कहां से हैं? पता करना होगा। श्री, तुमने शिखा की डिटेल्स अपने डेटाबेस में चेक की? पूरी की पूरी चेक कर ली, उसकी कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, ना कोई पुलिस अरेस्ट, ना कोई और इंफॉर्मेशन। लोग किसी नकली आइडेंटिटी पे
इतनी आसानी से कैसे जीत सकते हैं? और एक बात है सर, करेंसी नोट पे सिर्फ शिखा का एक फिंगरप्रिंट है और घर से बरामद हुए कैश 2.6 करोड़ का है। वो सारा का सारा खर्चा इन्हीं पैसों से कर रही थी और अपने मालिक मकान को भी वो किराया कैश में देती थी, इसीलिए इन पैसों का कोई ट्रेल नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। पैसों की ट्रेल को फॉलो करने से ही हमारे हाथ में कुछ लग सकता है, क्योंकि पैसा अपनी छाप छोड़ ही देता है। श्री, पता करो कि इतना सारा पैसा आया कहाँ से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस सब के पीछे पैसा ही एक वजह है। और आदोड़, हमें यह पता लगाना होगा कि आखिर शिखा को ड्रग सप्लाई किसने की, जिसने अपनी बेटी मोना के लड्डू में मिला के उसको खिलाए। छोड़ू, अपने लोकल इन्फॉर्मर्स को एक्टिवेट करो, उनको बोलो कि ये पता लगाएं कि वो ड्रग्स कहां से आए शिखा के पास जो उसने अपनी बेटी मोना को दी। सर, प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज हमारा ट्रस्ट करो, हम लीना से 20 साल पहले मिला था, उसके बाद कभी नहीं मिला। थैंक्स टू जीसस, वो औरत हमारे जिंदगी से चला गया। पता है, मैं भी लीना सावंत से बहुत समय से नहीं मिला और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड की मदद से मैं उस तक पहुंच पाया। जानती हो ये बेस्ट फ्रेंड कौन थी? मैरी फर्नांडिस। उससे तो झूठ मत बोलो मैं, तुम ही ने उसको बताया था कि उसकी और तुम्हारे नाम की सुपारी निकली। किसी ने तुमको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है। हम बोला ना, हम लीना से नहीं मिला। इस ड्रग्स को जानती हो? तुम तो लेती थी ना। मैं भी क्या स्टूपिड सवाल कर रहा हूँ तुमसे। इस ड्रग्स की न जाने कितनी लोगों को लत लगवाई थी तुमने, न जाने कितने लोगों की तुमने जाने ली। आज तुम ट्राई नहीं करो मेरे लिए, आज तुम आखिरी बार इसे ट्राई करो। रावते, इस तरह के ड्रग्स के और केसेस के बारे में पता करने का आइडिया अच्छा था, लेकिन इन सब का शिखा के साथ कोई कनेक्शन है या नहीं? We can't say. ये औरत भी ड्रग के ओवरडोज से ही मरी है राठौड़। उम्र इसकी भी कुछ 44 और 45 साल के बीच में थी। बॉडी पे मार के निशान है, हो सकता है कि ये काफी लंबे अरसे से ड्रग्स ले रही हो। और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि इसकी बॉडी में हमें जो ड्रग्स की कॉम्बिनेशन के ट्रेसेस मिले बिल्कुल वही हैं जो मोना की बॉडी में भी थे। और क्योंकि ये ड्रग्स इतनी आसानी से मिलते नहीं, हो सकता है कि ये दोनों को एक ही आदमी ने वो ड्रग्स बेचे हैं। सलाम सर। चल बता। ये जो ड्रग्स आप बता रहे हैं सर, इसमें एक दो लोग ही डील करते हैं। ये डिजाइनर ड्रग्स है, एक्सपोर्ट का माल। कौन बेचता है ऐसे ड्रग्स? ये मार्केट में ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें कोक और एक्सटेसी वाली कोई बात नहीं है, मार्केट में चलते भी नहीं है। ओवरडोज से मौत होने का चांस ज्यादा रहता है, मिलने को मिल सकता है लेकिन कोई लेता नहीं है। चेक करके बताओ कि ऐसा स्टॉक किस किस के पास पड़ा है। सर, मैच मिल गया। ये नोट एक पुराने बैंक रॉबरी की है। 15 साल से इन नोटों की कोई आता पता नहीं था। अफवाह ये थी कि किसी ब्रूस बॉयज नाम की गैंग इस चोरी के पीछे थी। ब्रूस बॉयज? हेलो, थैंक यू। वो लाश गुमनाम नहीं थी। जब उसकी फिंगरप्रिंट्स की जांच की गई तो पता चला कि उसके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे थे और उसका नाम था मैरी फर्नांडिस। मैरी फर्नांडिस? तो मोना को दिए गए ड्रग्स के बारे में रिसर्च कर रहा था तो पुलिस आर्काइव में मुझे ये फाइल मिली कि ड्रग डीलिंग का एक पुराना केस है और उसमें जो पकड़ी गई वो मैरी फर्नांडिस ही थी। उस वक्त एक केस दामले हैंडल कर रहा था। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।